नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं चैनल डब्बा खोल। और आज हमारे पास है बोल्ट की तरफ से आने वाले ऑडियो हेडफोन। और जी हाँ दोस्तों, ये वायरलेस हेडफोन है और ये बोट वाला बोल्ट नहीं है, ये बोल्ट वाला BOULT वाला बोल्ट है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट। पहली बार ही मैंने ये मंगाया ऐसा प्रोडक्ट, क्योंकि इससे पहले हम बोट या फिर इन्फिनिटी या JBL इनके अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा न्यू प्रोडक्ट है और इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। और इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर आप कुछ चीज़ देख सकते हैं, एक्स्ट्रा बेस, बिल्ट इन माइक, डीप बेस, 3D अकॉस्टिक और 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और बिल्ट इन माइक्रो वूफर्स के नाम से इसके अंदर कुछ चीज़ मिल जाती है और वो हमें देखना है कि वो कैसी मिल जाती है। तो जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ मैं और आपको सामने दिखाता हूँ कि कैसा प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। और ये सेटअप थोड़ा हमने चेंज किया है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत इनोवेटिव लग रहा है या थोड़ा बहुत पहले से अच्छा लग रहा है या नहीं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब भी करना है आप ही लोगों को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो ला सकें आपके लिए। उसकी सील काटने के लिए मेरे पास कुछ और तो था नहीं, तो मैंने सोचा यही सही रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर लिखा है एसेसरीज। जी हाँ दोस्तों, ये लिखा है कुछ एसेसरीज और इसको भी ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले मिल जाती है हमारे पास एक चार्जिंग केबल जो कि डिसेंट क्वालिटी की है और हल्की क्वालिटी की बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बगैर मैं बात करूँ आगे की, तो एक मिल जाती है हमें ऑक्स केबल जो कि आपको जब ये बैटरी डाउन हो जाएगी इसकी तो आप यूज़ कर सकते हैं एज ए वायर की तरह से। और ये आप देख सकते हैं इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ लगी मुझे, एसेसरीज के अलग से बॉक्स दे रखा है और उसके अंदर आपको मिल जाता है एक वारंटी कार्ड। बाकी ऑडियो प्रोडक्ट फॉर लाइफस्टाइल कुछ ऐसे करके मिल जाता है और इस पर काफ़ी प्रोडक्ट्स मेंशन है कि बोल्ट ऑडियो क्या क्या बनाता है, आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन चीज़ों को मैं साइड में रख देता हूँ और जो हमारा मेन कंटेंट है वो है हमारे ऑडियो की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख जब मिल जाता है आपको बोल्ड लिखा हुआ मिल जाता है और कुछ लेदराइट मटेरियल लग रहा है, लेकिन ये लेदर नहीं होगा, ये जेन्युइन लेदर होगा, यानी कि ये थर्ड ग्रेड वाला जो लेदर होता है वो वाला लेदर लग रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, प्लस माइनस यानी कि वॉल्यूम रॉकर्स हैं ये बंद करने के लिए, आवाज़ को कम करने के लिए, आवाज़ को ज़्यादा करने के लिए। यहाँ पर आपको बोट का सारा मैनुअल या फिर कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। बोट एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रिप मिल जाती है जिसकी मदद से आप इसे एक्सपेंड और एडजस्ट कर सकते हो। क्वालिटी की बात करूँ यानी कि इसकी बिल्ड की, यानी कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है और बहुत ही फ्लेक्सिबल लगता है, मतलब आराम से ऐसा लगता है कि ये फ्लैक्स हो सकते हैं, टूटेंगे नहीं। और जहाँ तक है मेरे हिसाब से ये पत्ती पूरे में ही लगी होगी और उसके ऊपर ये कुशनिंग दी गई है, ठीक ठाक कुशनिंग है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, आपके सर को ज़्यादा चुभने वाली भी नहीं है। इन कुशनिंग की बात करूँ यानी कि एयर कप्स की बात करूँ तो एयर कप्स भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं और जो इनका मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और जो फिनिश है वो रगड़ फिनिश है एकदम, यहाँ पर शाइनिंग वाले बिल्कुल भी नहीं है, एकदम डिसेंट अमाउंट की, एकदम डिसेंट जो क्वालिटी की जो फिनिश होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगली मैं बात करूँ यहाँ पर आपको चार्जिंग केबल की, तो चार्जिंग के लिए यहाँ पर स्लॉट दिया हुआ है और यहाँ पर आपको मिल जाता 3.5 mm का जैक और ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए माइक मिल जाता है एक तरफ और बाकी साइड में आपको एक माइक भी मिल जाता है। तो ये है कुछ कहानी इस बोल्ट के
हेडफोन की, और यहाँ पर लेफ्ट और राइट की इंडिकेशन भी आप देख सकते हैं। दोनों तरफ आपको लेफ्ट और राइट की इंडिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो हम सुनने के बाद आपको बताते हैं इसी वीडियो में, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मैंने म्यूज़िक सुन के देख लिया है और कनेक्ट भी करा के देख लिए अपने फ़ोन से, और इनके बारे में आपको बता दूँ, उससे पहले ये थोड़ा सा अच्छा काम कर लेते हैं। ओके, तो इनका जो म्यूज़िक है ना वो काफ़ी ठीक ठाक है, एकदम सॉफ्ट आवाज़ है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके कान में कोई चीज़ घुसी जा रही है या फिर चुभ रही है कोई आवाज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जो म्यूज़िक है या फिर जो सॉन्ग सुनने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। जिस पर लिखा हुआ ना 3D बेस, तो वाकई में इसके अंदर आपको 3D बेस आपको नो डाउटली मिलता है, और उसकी वजह से जो क्या होता है, जो आपको थोड़ी सी थंब मिलनी चाहिए ना, यानी कि बेस मिलनी चाहिए, वो थोड़ी सी लो लगती है, लेकिन ओवरऑल जो इसका एक्सपीरियंस था ना वो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको ज़्यादा बेस लाउड ज़्यादा धूम धड़ा का पसंद नहीं है, या आपको डिसेंट अमाउंट में एकदम सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर अच्छे गाने सुन रहे हैं, और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ कोई चीज़ हमारे कान में घुसनी चाहिए या फिर घुसी जा रही है आवाज़ की वजह से, तो नो डाउटली आपके लिए बने हुए हैं ये हेडफोन। और बहुत ही अच्छा जो साउंड था वो मुझे लगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से। हल्की बहुत जो आपको लगेगी वो थोड़ी सी बेस की कमी ज़रूर लगेगी, लेकिन जो इसकी ट्रेबल है या फिर जो इसका वॉइस है वो बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही अच्छा है, और आप नो डाउट ले सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, बस थोड़ी बहुत एडजस्टिंग में इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनकी जो शेप है वो एकदम रेगुलर नहीं है, आप देख सकते हैं थोड़ी ऊंची नीची है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये बनाई ही इसीलिए गई हो, क्या पता आपके कान में एडजस्ट हो जाएगी ठीक ढंग से। बाकी आप क्या सोचते हैं इस हेडफोन के बारे में, या आपने कभी लिया है या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा और अच्छे अच्छे हेडफोन आपको दिखाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।